नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सनोली रोड से अमर भवन चौक की तरफ जो रास्ता जाने वाला है उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क पर निकल कर आ चुके हैं। कारण ये है कि कुछ दिन पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि इस सड़क पर हर समय पानी भरा रहता है, गंदा पानी यहाँ पर जमा रहता है, जिस कारण ये लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, काफी लोगों का तो ये कहना है कि ये यहाँ से अपने मकान बेचकर जा चुके हैं और काफी लोग अब मकान बेचने की स्थिति में आ चुके हैं, काफी रोष इनमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अक्सर आप सोचते होंगे कि शहरों में रहने वाले लोगों की अक्सर जिंदगी ठीक रहती है, उनका रहन सहन ठीक रहता है, लेकिन ये शहर के रहने वाले निवासी है और ये आज सोच रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि किस प्रकार इनका रहन सहन है और किन परिस्थितियों में ये यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शहर के जो लोग हैं वो अच्छे खासे मकानों में रहते हैं, लेकिन आज ये वही लोग हैं, ये वही शहर के निवासी हैं जो यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, अपने घर बेचने को मजबूर है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अपने घरों के बाहर इन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि यह मकान बिकाऊ है। हालांकि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि काफी लोग यहां से मकान बेचकर जा चुके हैं और आज फिर ये लोग सड़क पर आए हैं, क्या कुछ इनका कहना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार हालात आपको दिखा दे कि जो सीवरेज समस्या है, बता दें निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, ठप है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार दावे किए जाते हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की गई है, नालों की जो व्यवस्था है पूरी तरह से दुरुस्त है, लेकिन तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के किस तरह की व्यवस्था है, प्रशासन के दावे किस प्रकार से खोखले साबित होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उसी का कारण है कि आज ये जो निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, सड़क पर आ गए हैं। देखिए तमाम लोगों के चेहरे किस प्रकार है, क्योंकि ये आप अपने घरों को बेचने की कागार पर है, घरों के बाहर इन लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं। देखिए पूरी सड़क पर अभी भी आप देखेंगे तो पानी ही पानी जमा है। हालांकि इनका कहना है कि कई बार स्थानीय पार्षद को मिल चुके हैं, नेताओं से ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण आज ये सड़क पर आए हैं। क्या कुछ इनका कहना है पहले इन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सा ये एरिया है और क्या समस्या आपको? अमर भवन चौक है ये, और गुरुद्वारा नजदीक गुरुद्वारा संत भाई नारायण सिंह है। हर बार यही हाल होता है, जब भी प्रशासन से कोई बात करते हैं तो अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, वो कोई भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब भी कोई बात करते हैं कहते जी वहाँ चले जाओ, वहाँ जाते हैं उनके कहते हैं दूसरा हमारा कोई काम नहीं है, दूसरे प्रशासन के पास चले जाओ। हम तो तंग आ चुके हैं इस रोड के ऊपर, हम ये लास्ट में यही तरीका अपनाया है कि इस जो गली के अंदर जितने भी मकान हैं, मकान बेचकर हम यहाँ से पलायन कर जाएं। धन्यवाद। तो देखिए घर बेचने को मजबूर है जी। क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना? रितु नाम है। यहाँ पे 4 महीने हो गए स्वीपर्स को भेजते हैं, हम लोग जाते हैं स्वीपर्स को भेजते हैं, सफाई करवाते हैं ऊपर ऊपर के चले जाते हैं, जबकि नाले आगे से ब्लॉक है पूरे के पूरे। अब हमारे पास तो एक्टिव वगैरह हम चले जाते हैं, बट ये नॉर्मल लेडीज वगैरह है, पानी इतने इतने पानी में से भी ये लोग पैदल जाती है काम करने के लिए। घर से बाहर जाना ही जाने, किसी को बीमारियां भी फैल रही है और मच्छर भी यहाँ बहुत इसी कारण से हो रहे हैं, और यहाँ रहने लायक तो जगह है ही नहीं। बच्चों को तो स्पेशल बिल्कुल सर ये सोचते हैं जो लोग शहरों में रहते हैं उनका रहन सहन ठीक है, उनके मकानों की स्थिति ठीक है, सड़कों की व्यवस्था ठीक है, गांव में साफ सफाई करने वाला कोई नहीं आता, लेकिन आपकी भी यही हालात है। सफाई करने वाले तो आ रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से आते हैं, वो गवर्नमेंट भेजती है बट कैमरामैन साथ में आता है उनके, जब भी कोई आता है उनके कैमरामैन साथ में आएगा कि हम सफाइयां करवा रहे हैं, बट डीप सफाई करवाओ ना, ऊपर ऊपर से तो हम भी करवा सकते हैं, ऊपर तो सभी करवा सकते हैं, हम लोग भी झाड़ू उठा के रख देंगे 5 मिनट के लिए हो जाएगी, बट जो सीवर ब्लॉक है वहां से ब्लॉक के जटवाइए, हमारा यही मांग है, या तो ब्लॉकेज हटवाइए या हम सब लोग यहाँ से मकान अपने बेच के जाएंगे। और यहाँ पे अभी तो हम बहुत अच्छे से आराम से विनम्रता से बता रहे हैं आप लोगों को, बट ये हालात आएंगे अगर हमारे मकान अच्छे रेट पर नहीं बिके, हम यहाँ पे सारे रास्ते भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लगता है स्थिति में कोई मकान खरीदेगा आपके? नहीं खरीदेगा, बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा, सिर्फ वही खरीदेंगे गोदाम वाले जो ले सकते हैं, तो वही तो कह रहे हैं कि अच्छे रेट ही नहीं मिलेंगे तो जाएंगे कहाँ पे हम लोग, जब तक अच्छे रेट ही नहीं मिलेंगे, कीमत ही नहीं मिलेगी, हमें आगे भी तो मकान चाहिए ना, कोई ये तो है नहीं कि यहाँ सस्ते में बेच के और आगे हमारी कोठियां खड़ी वहां चले जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, कुछ और स्थानीय लोग उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश सलूजा है, और यहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। मैं इस गली में रहता था और मुझे इसी समस्या हुई कि औने पौने दामों पर मकान बेच के जाने पर मुझे मजबूर होना पड़ा है। यहाँ पर पिछले 10 साल से हमारे पार्षद हैं अशोक नारंग जी, उनके पास हम कम से कम 50 बार जा चुके हैं, परंतु समस्या का हल नहीं कर पा रहे। मैं कहता हूँ समस्या का हल नहीं कर पा रहे तो उन्हें यहाँ से त्याग पत्र दे देना चाहिए या समस्या का हल, और वो दिखते ही नहीं, और हम उनके घर मिलने जाते हैं
तो उसके बाद भी कुछ समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं। और आप गली में जाइए, देखिए हर घर के बाहर लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है। क्या ये शहर है या बीएड़ के जंगल है? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार कहाँ सोई हुई है, जनता क्या करे, जिए या मरे। आपने सील कर दिया मकान? मैं मकान यहाँ से सील करके जा चुका हूँ। उसका कारण सिर्फ यही गंदी नालियों भरा हुआ पानी, क्योंकि मेहमान आ नहीं सकते, यहाँ से बदबू रहती है, किसी को बुलाते शर्म आती है कि हम कहाँ रहते हैं। नहीं तो ये टेक्सटाइल की हैंडलूम की नगरी है और मेन अमरभवन चौक का एरिया है, उसके बाद ये हाल है। और हम देखो पानी में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अभी अपना पार्लर है, मैं यही बताती हूँ लोगों को कि कहाँ आना है, जहाँ पे गंद पड़ा और जहाँ पानी खड़ा हुआ है वो बताती हूँ निशानी भी। गुरुद्वारे के पास जहाँ पानी खड़ा है उस गली में आ जाओ। अक्सर लोग गुरुद्वारे में आते होंगे क्योंकि गुरुद्वारे में सुबह शाम आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको भी झेलनी पड़ती होगी समस्या। बहुत कम संगत आते हैं, बहुत कम आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, कपड़े खराब होते हैं। ये स्कूल है साथ में, गुनाने पर भी स्कूल, तो बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं, पर मजबूरी पे उनको आना पड़ता है। स्कूल भी है साथ में? स्कूल भी है, दिल करता है पानी में बढ़ने का। कोई बच्चा भी ऐसे परेशान हो जाता, बच्चा भी गिर जाता है नीचे पानी में। इतनी बार बच्चे नाले में गिर गए हैं, क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे, क्या परेशानी? परेशानी तो यही है, यहाँ बहुत ज्यादा पानी है, इस वजह से हम सारे इसी वजह से परेशान हैं। क्या करूँ, सदना की बच्चे बीमार हो गए, कोरोना में हमारे बंदे भी चले गए, हमारे शोरदार के पास 10 बारी हो गए, उसने हमारी सुनवाई नहीं की। मैंने कहा आप हमारी गली में ना घुसे वोट लेने के लिए, हम कह के आए हैं। मेरी बहू का पार्लर इतने बेचारी परेशान है, मेरे बहू के पार्लर में कोई तैयार होने नहीं आया इसी वजह गंदगी के पीछे। हमारे घर से बैठ के खाया हमने रोटी, मैं झूठ मैडम मैं सच्चाई बोल रही हूँ। गए हो आप, नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम करेंगे कोई बात नहीं, ये भी दशहरा के बीच कहते करेंगे, बस कोई नहीं आता। हमारे लिए मशीन ला दो, मैं भी नाले तोड़वाती हूँ, मैं हम पैसे भी भरने को तैयार है, हमारी मशीन मंगवाओ, ये नाले तैयार करो आप, बस तोड़ो। निकलती है और सारे छिट्टे जो है सारे शरीर पर पड़ते हैं, जिसके शरीर में खराबी हो चुकी है, सब बीमार हो गए। रोड एसोसिएशन के प्रधान हैं वो भी मौके पर पहुंचे, बातचीत करेंगे। प्रधान जी आप भी मौके पर आए हो, क्या लगता है आपके? वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। एक बार मकानों की स्थिति भी आपको दिखाएंगे, देखिए तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। मकानों के बाहर के हालात भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि तमाम जो मकान है आपको उनके बाहर पोस्टर लगे नजर आएंगे। तमाम लोगों से अपील कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। देखिए सबसे पहला मकान है, मकान बिकाऊ है, आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए दूसरा मकान, बाहर ताला लगा है और यह मकान बिकाऊ है। जितने भी आपको मकान नजर आएंगे सभी के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं और ताले सभी मकानों के बाहर लगे हुए हैं। तमाम लोगों में रोष जरूर देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों से अपील की इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, ताकि तमाम उन लोगों तक ये खबर पहुंच सके, क्योंकि लगातार जो स्थानीय लोगों में रोष जरूर देखने को मिल रहा है। और इनका ये कहना है कि कई बार, एक नहीं कई बार ये स्थानीय जो नेता है उनसे गुहार लगा चुके हैं, पार्षद से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक भी किसी की ओर से यहाँ कोई सुध नहीं ली गई। और यही कारण है कि आज ये लोग सड़कों पर हैं और अपने मकान जो है उनके दरवाजे बंद करके, देखिए घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं, हर एक मकान पर आपको पोस्टर नजर आएगा कि यह मकान बिकाऊ है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं घरों के बाहर खड़े हुए हैं और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, सरकार से प्रशासन से मांग करते नजर आ रहे हैं कि इनकी कोई सूद ली जाए, ताकि ये भी अपने घरों में रह सके, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में यदि एक रात भी आपको बाहर रहना पड़ जाए तो आपको सफाई कर्मचारी क्या करते, ऊपर से कसी मारी चाल भाई, बीच में कुछ नहीं है। तो लाखों रुपए सफाई व्यवस्था पर लगाए जा रहे हैं, फिर लगता है वो सही जगह लगाए जा रहे हैं। सर जी यहाँ तो साफ सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है पानीपत में, और जो गलत सड़क है जो बनने लायक है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। कमिश्नर की नहीं चलेगी तो फिर चलेगी किसकी? क्या यहाँ सीएम आगे बैठ जाए तब चलेगी? इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा होने के बावजूद भी उनकी नहीं चली तो फिर चलेगी किसकी? क्या मोदी आके यहाँ बैठे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, प्रशासन कहाँ है? 20 सफाई कर्मचारी तो आ जाएंगे नाला डाय कसिया उठाए हुए, और काम तो जीरो, बिल्कुल जीरो। मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है इन अफसरों के बाद, इनको तो घर बैठना चाहिए। और जो हमारे शहर के जो नेता बने हुए हैं दिल्ली से, बल्कि नेता बुला के यहाँ राज करना चाहिए, वो इसकी सफाई व्यवस्था जो है ना सुचारू रूप से चला सके, मेरा तो मानना यही है।
बाकी इतने ऐतिहासिक गुरुद्वारे वाले इतनी अपीलें कर चुके हैं, इतनी प्रशासन की मिन्नतें कर चुके हैं, मेयर साहब की तो इतनी मिन्नतें कर चुके हैं, क्योंकि कुछ सुनवाई नहीं, कोई वैल्यू नहीं है मेयर साहब की भी। और कमिश्नर साहब जो रोड आके ऑन रोड आके यहाँ से लेके संजय चौक तक इतना सर्वे किया उन्होंने, एक एक नाले को चेक किया, फिर भी कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ SDM आए हैं, सारे आए हैं जी, मैं बार बार यही कहूंगा कि सारे अफसरों की संज्ञान में कम से कम ये दशहरे से पहले एक महीना पहले का ये सबके विषय में जा चुका है, लेकिन रोज ही पानी भरता है और गंदा। चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव तो आने वाले हैं, देखो अब क्या हुआ चुनावों में, पासा पलटेगा इसी हिसाब से, ये चुनावों से पहले ये काम इनको करवाना ही पड़ेगा हर हालत में। क्या मानते हैं अब कमी कहाँ है, क्यों ये जो व्यवस्था है क्यों ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि नेता लगातार कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं पानीपत को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लगता है आपको इस तरह स्मार्ट सिटी बन पाएगी? इस बात में मैं आपसी बात सहमत हूँ कि करोड़ों और रुपये पानीपत में आ रहे हैं, लेकिन रुपया आने के बाद उसको खर्च करने की जो व्यवस्था है इनकी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके कारण जो समस्या पैदा हो रही है। कहीं पर तो ये इतना रुपया ऐसे लगा रहे हैं कि जहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं है। कई सड़कें हम ऐसे देख रहे हैं कि जो अच्छी भली एक साल में तीन तीन बार बन रही हैं, और कई सड़कें ऐसी गलियां ऐसी हैं जो तीस तीस साल में बनी ही नहीं। अब इनको ये सोचना चाहिए कि पहले एक मैप तैयार करें कि पैसे को हमने लगाना कहाँ है। पैसे का सदुपयोग अगर होगा तो शहर का सुधार होगा, अगर सही शहर का सुधार होता तो ये लोग हमारे मकान बेच के बाहर नहीं जाते। आज लोग जो पहले कहा करते थे कि गांव के शहर में आएंगे, लेकिन आज शहर के लोग गांव में क्यों जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाँव की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं कि अरबों रुपया गाँव में लग रहा है, गाँव का विकास हो रहा है और शहर को डुबोया जा रहा है। कारण कि यहाँ के जो नेता जितने पार्षद जो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही ढंग से काम करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ करोड़ों रुपए अरबों रुपए आने के बाद ये शहर हमारा पेरिस होना चाहिए था। पेरिस तो क्या, जो पानीपत कहलाने के लायक भी नहीं रहा। यहाँ से हमें जो पुराना शहर है अमर भवन चौक, जो हमारा एक सन 47 से पहले का इलाका है, गुड़ मंडी ऊंची पहाड़, उस इलाके में एक रुपया तक नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो जागरूक हैं और वो वोट आराम से दे देते हैं, कोई इनसे दारू की बोतल नहीं मांगता, कोई इनसे 500 का नोट नहीं मांगता, इसलिए इनको पता है हमें यहाँ नोट मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं। जब ये चंदा मांगते हैं चंदा मिल जाता है, जब वोट मांगते हैं वोट मिल जाता है, और ये सिर्फ वहीं खर्च करते हैं जहाँ पर इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, जहाँ इनको विकास करना है जब विकास वहाँ नहीं करते। आपका कहने का मतलब है जो पैसा खर्च किया गया वो व्यर्थ में किया जा रहा है? व्यर्थ में नहीं किया जा रहा, बिना सोचे समझे किया जा रहा है। अगर ये पैसे को सोच समझ के करें, अपनी प्लानिंग से करें, तो मेरे हिसाब से उस पैसे का जनता का खून पसीने की कमाई है, ये कोई नेताओं के घर की कमाई नहीं है। नेता अपने घर से नहीं उठा के देते कि मैंने 5 करोड़ रुपए माफ कर दिया, मैंने इसका 1 करोड़ माफ कर दिया, इसका 2 करोड़, जिनके बाप की कमाई नहीं है, ये सारे खून पसीने की कमाई हमारे लोगों की है। ये अपने टैक्स देते हैं, अपना दिन रात एक करके मेहनत करके, कोई 500 कमाता है, कोई 200 कमाता है, बेचारे एक पैकेट घी का लेने जाते हैं 200 रुपए का, उसके अंदर भी सारा 16 रुपए GST लगी होती है। चुनाव के समय आपसे बड़े बड़े वायदे किए गए होंगे, आगे फिर चुनाव आएंगे, फिर वादे किए जाएंगे। वादे के टाइम पे अशोक नारंग जी को मैंने कहा था कि मैं इस बार आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन नारंग जी ने यही कहा था कि नहीं इस बार मौका दे दो, मैं आपको ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, और ये गलती इन्होंने दोहराई, और इस गलती के लिए मैंने आज से 2-3 महीने पहले नारंग जी को कहा कि नारंग जी आपने हमें इस हालत में छोड़ दिया कि हम शहर में रहने के लायक नहीं है, लेकिन नारंग जी ने उसकी तरफ ख्याल नहीं किया। आज सुबह मैंने फिर नारंग जी को कहा, मगर नारंग जी ये लोग जो है रोज सुबह आके मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, मैंने एक गलती कर ली थी कि आपके साथ चल पड़ा था, लेकिन आज ये समस्या हो गई है कि यहाँ के जितने नागरिक हैं वो शहर छोड़ने को मजबूर हैं, घर छोड़ने को मजबूर हैं, घर बेचने को मजबूर हैं, ये किसकी कमी है? लेकिन ये चीज आज तक हमारे किसी नेता ने हल्के में ली है, अगर ये सीरियस में लेते तो कम से कम इसका सुधार होता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो मौका आपके सामने है, आप इस मौके को देखो, ये इतनी जनता खड़ी है किस लिए खड़ी है? ये अपने मकान बेचने के लिए नहीं खड़ी, अपनी परेशानी के लिए खड़ी है। अगर इनको परेशानी है तो इसलिए ये लोग इतने खड़े हैं, अगर इनको परेशानी ना होती तो इतनी ठंड के अंदर ये बेचारे लोग अपने घरों से बाहर ना आते। स्थिति यही रही तो फिर उन्हीं लोगों को चुना जाएगा, उन्हीं नेताओं को? अगर ये स्थिति रही तो मैं आज दोबारा जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं वार्निंग दे के कहता हूँ कि निगम पार्षद अगर आपकी यही स्थिति रही तो आपको अपना जो वार्ड बदलना पड़ेगा, इस वार्ड की जनता आपसे खुश नहीं है। कम से कम अभी आपके पास 2 साल का समय है, इसको सुधार लो, अगर आप नहीं सुधारोगे तो आपको जो निश्चित तौर पे ये इलाका आपको बदलना ही पड़ेगा। पार्षद से ऊपर विधायक जी हैं, सांसद जी है, वो भी पानीपत से ही हैं। विधायक जी को भी मैंने एक दो बार जो बात रिक्वेस्ट की है तो विधायक जी कहते हैं कि जो छोटे छोटे काम जो है ये आपके पार्षद महोदय के इलाके में आते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम है, कोई बड़ी चीज है, वो मेरे पास लेके आओ। अब इन गलियों के लिए मैं पार्षद जी को कहां लाऊं? अब क्या पार्षद आके हमारे मोहल्ले की गलियां थोड़ी बनवाएगा? ये काम पार्षद का है, मेयर का है।
पार्षद जी का काम जो है वो पार्षद जी करेंगे, विधायक जी का काम है ग्रांट लाना, और हमारे विधायक जी ने ग्रांट लाने में मेरे हिसाब से सीएम साहब